सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे जो मेटल नॉन मेटल का नेक्स्ट है। जो जिसको उससे पहले मैं बोल रहा हूँ, जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट तुम लोगों को नोटिफिकेशन क्लास के टाइम में मिल जाएगा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स से स्टार्ट करने वाले हैं आज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होता है? रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। मतलब मेटल प्लस ऑक्सीजन, देन इट विल बी मेटल ऑक्साइड। सो फॉर्मूला क्या है? Cu प्लस ओ टू CuO। सो जो जनरली मेटल ऑक्साइड्स क्या है, बेसिक नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक नेचर। सो मेटल्स ऑक्साइड जैसे कि एलुमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सो वो बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उनको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देन एग्जाम्पल लेते हैं उसमें, Al2O3 प्लस HCl। देन इट विल बी LCl3 प्लस वाटर। देन Al2O3 प्लस NaOH, मतलब हम देख रहे हैं Al2O3 एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, एंड Al2O3 ऑल्सो बेस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। सो इट इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इट इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मोस्ट मेटल ऑक्साइड जो कि वाटर में इंसोल्युबल है, लेकिन बट सम डिजॉल्व टू फॉर्म अल्कली लाइक सोडियम पोटासियम ऑक्साइड। मतलब मोस्ट मेटल ऑक्साइड पानी में इंसोल्युबल रहते हैं, लेकिन सम क्या करते हैं? डिजॉल्व होकर अल्कली फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि सोडियम पोटासियम का ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड जैसे कि जस्ट लुक एट दिस रिएक्शन, सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हुआ तो इट विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हुआ। मतलब ये मेटल ऑक्साइड से फिर वाटर में डिजोल्व होने के बाद ये क्या हुआ? अल्कली में फॉर्मेशन हुआ। सो जो पोटासियम और सोडियम विगोरसली रिएक्ट करते हैं विथ ऑक्सीजन के साथ भी, दैट दे कैन कैच फायर इन दी ओपन। अगर हम सोडियम और पोटासियम को बाहर रखते हैं, देन वो रिएक्शन होता है। किसके साथ रिएक्शन होता है? जो एटमोस्फियर में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन होता है और ये फायर कैच करता है, इसलिए हमें पता है उसको हम किरोसिन में इमर्स करके रखते हैं। देन आता है जो एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग मतलब क्या है? जो कि एक थिक ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन करते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर। एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर फॉर्मेशन करते हैं, सो दैट इसमें फर्दर कोरोजन नहीं होगा। रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन नहीं हो सकता है। देन आता है रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, सभी मेटल जो है, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सभी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, और जो मेटल रिएक्ट टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देन जो रिएक्शन करते हैं वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करते हैं, और मेटल ऑक्साइड जो कि वाटर में डिजोल्व होने के बाद अगेन इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। दैट मीन्स मेटल प्लस वाटर इट विल बी मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, देन मेटल ऑक्साइड फिर अगेन वाटर में डिजोल्व होगा, इट विल बी मेटल हाइड्रोक्साइड। इट विल बी मेटल हाइड्रोक्साइड। देन मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटासियम है, कोल्ड वाटर में विगोरसली रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। आयरन, जिंक, ये सभी स्टीम में रिएक्शन होता है, लेकिन लीड, सिल्वर और गोल्ड टोटली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। वी हैव टू रिमेम्बर दिस। जैसे कि देखो, ये पोटासियम का जो एग्जाम्पल लिए हम, पोटासियम प्लस वाटर देन गिव राइज टू पोटासियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH प्लस हाइड्रोजन, देन हीट एनर्जी फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम प्लस वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, H2, देन आयरन प्लस वाटर, देन Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। देन नेक्स्ट आता है हमारा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होता है। मेटल जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्मेशन करता है। सो मोस्ट मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करते हैं। सो हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर फॉर्मेशन करता है और इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी अदर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि N2O, NO, N2 इसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर?
देन मैग्नीशियम और जो मैंगनीज Mn वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। क्या इवॉल्व करता है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? ओके, देन एक्वारेजिया क्या है? देखो एक्वारेजिया जो है उसमें एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रहता है, उसमें रेशियो रहता है 3:1 मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 एंड कॉन्स नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट। ओके, और ये हाइली कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है जिसमें गोल्ड और प्लैटिनम डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, फिर ये जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज ये हमें याद रखना होगा। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज वी हैव टू रिमेम्बर दी रिएक्टिविटी सीरीज, व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर दी रिएक्टिविटी सीरीज। उसमें देख रहे हो जो कि पोटासियम है मोर रिएक्टिव, देन आता है सोडियम, देन कैल्शियम, स्लोली रिएक्टिविटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, लास्ट में क्या रहा है? गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव। ओके, देन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्कुरी, सिल्वर, गोल्ड। ओके, सो ये हुआ हमारा एक्टिविटी सीरीज। ओके, ये जो कि रिलेटिव रिएक्टिविटी हिसाब से अरेंज किया हुआ है जिसमें कि पोटासियम आ रहा है मोस्ट रिएक्टिव और गोल्ड आ रहा है लीस्ट रिएक्टिव में। देन उसी रिएक्टिविटी हमें जानने से अभी क्या होगा, रिएक्शन हम पता कर सकते हैं किसमें रिएक्शन होगा किसमें नहीं होगा। जैसे कि मेटल होगा मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन, मेटल किसके साथ रिएक्शन होगा? मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन होता है तो अभी क्या होगा? देखो जो कि मेटल्स डिस्प्लेस कर सकता है, कैन बी से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मेटन फॉर्म। ओके, सो जो रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से, ओके, और मेल्टन फॉर्म से। देन हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं? मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं? ओके, कंपाउंड्स जो कि बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड क्या है? जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मेटल टू नॉन मेटल और फॉर्मेशन करता है आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड में टू टाइप जनरली हम वहाँ पर डिस्कशन करते हैं, आयनिक और एक है कोवेलेंट। आयनिक एक वह आता है कम्प्लीटली ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, और इन कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय बोथ दी एलिमेंट। ओके, दैट इज दी कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर? देन देखते हैं आयनिक जो कंपाउंड है, ओके, आयनिक कंपाउंड का क्या प्रॉपर्टीज होता है? पहले आता है फर्स्ट इज अवर फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में क्या है? फिजिकल नेचर मतलब आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड और हार्ड होता है, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स रहता है, क्योंकि जो आयन है आयन आयन में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है और ये ब्रिटिल भी होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मोर है, हाई है, क्योंकि उसको हम ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होता है उनको जो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोलिबिलिटी। जनरली ये सोल्यूबल होता है, ओके, इन वाटर बट इन सोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज किरोसिन, पेट्रोल। ये वाटर में सोल्यूबल होता है लेकिन किरोसिन पेट्रोल में इन सोल्यूबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी। उसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉन्डक्ट करते हैं सॉल्यूशन में, अगर उसको हम वाटर में या और लिक्विड में उसको डिजोल्व होता है और सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कॉन्डक्ट करता है क्योंकि उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स आयन होते हैं। ओके, सो मूवमेंट ऑफ आयन पॉसिबल नहीं है सॉलिड स्टेट में ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर एंड डू नॉट कॉन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं। अगर आयन मूवमेंट नहीं हुआ देन कंडक्ट कैसे होगा इलेक्ट्रिसिटी? क्लियर? सो रिजिड जो स्ट्रक्चर है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जो आयन्स है, ओके, वो आयन्स मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी सॉल्यूशन बनाते हैं सॉल्यूशन में जो आयन्स है वो आयन मूव कर सकते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। देन जो मोल्टेन स्टेट में,
ओके, मोल्टन स्टेट में मूवमेंट ओवरकम होता है क्योंकि हीट की वजह से, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, देन आता है हमारा ऑकरेंस ऑफ मेटल। मेटल जो जनरली कैसे होता है, मिनरल फॉर्म में होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट में रहते हैं, मिनरल फॉर्म में रहते हैं। और मतलब क्या है मिनरल, जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल है जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिटेबली फ्रॉम इट, उसमें प्रॉफिटेबली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। सो हम बोल सकते हैं ओर में एवरी ओर इज ए मिनरल, लेकिन एवरी मिनरल इज ए नॉट ओर। मतलब जो मिनरल से प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको हम ओर बोलते हैं, जिसमें प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, मतलब वो ओर से हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, मतलब जिसका हम एक्सट्रैक्ट करने में जितना हमारा खर्चा होता है, ओके, उससे लेस होता है, जो मेटल एक्सट्रैक्ट जितना होता है उसका लेस रेट होता है, मतलब वो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, इसलिए उसको हम ओर नहीं बोलते। ओके, देन ये जो ओर से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उसका डिफरेंट डिफरेंट क्या और होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है जिसमें कि हम ओर से क्या करेंगे, ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसका डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। ओके, थैंक यू। सो एट द लास्ट यू ऑल्सो गिव योर अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।